नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं जिसमें बदमाशों ने हैवानियत और दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। इतना ही नहीं, तीन महिलाओं के साथ गैंग रेप और लूटपाट की, और वो भी हथियारों के बल पर। पूरे परिवार को बंधक बनाया और पूरी रात दरिंदगी करते रहे बदमाश। चौथी महिला बीमार थी, उसने दम तोड़ दिया। ये पूरी खबर आपको बताएंगे। खबर है हरियाणा के पानीपत जिले से, जहां चार बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मतलोडा थाना क्षेत्र के गांव स्थित डेरा और मच्छी फार्म हाउस पर काम करने वाली महिलाओं के साथ बदमाशों ने पूरी रात अपनी हवस का शिकार बनाया। इनमें से एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला लंबे समय से बीमार चल रही थी। यही नहीं, बदमाशों ने हथियारों के बल पर प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट कर पैसे भी छीन लिए। उन्होंने परिवार के पुरुष और बच्चों को बंधक बनाकर महिलाओं के साथ गैंग रेप किया। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने बताया कि वे गांव से दूर डेरे में परिवार सहित रहते हैं। रात के करीब 1 बजे चार नकाबपोश बदमाश उनके डेरे में घुस गए। उनके पास चाकू, बंदूक और हथियार थे। उन्होंने हथियार के बल पर परिवार के लोगों को बंधक बना लिया, उनके हाथ पैर बांध कर कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद महिलाओं को जबरदस्ती खींच कर बाहर बरामदे में ले आए। चारों ने हथियार के बल पर पूरी रात महिलाओं के साथ गैंग रेप किया। बदमाशों ने महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी। सुबह 4 बजे तक महिलाओं के साथ ये बदमाश दरिंदगी करते रहे, हैवानियत का नंगा नाच खेलते रहे। उसके बाद जाते हुए महिलाओं को भी कमरे में बंद कर दिया। बदमाश 13,000 की नकदी, चांदी की पाजेब लूट ले गए। तो आप समझ सकते हैं पानीपत में किस तरीके से बदमाशों ने हैवानियत का नंगा नाच खेला है। घर में रखी नकदी भी लूट कर ले गए। इन महिलाओं ने सबेरे जानकार को फोन करके पूरे घटना के बारे में बताया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर बंधक परिवार को कमरे से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मतलोडा थाना प्रभारी विजय व डीएसपी कृष्ण कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस महिलाओं को मेडिकल के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल लेकर गई है। एफएसएल की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची है और पूरे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि बदमाशों ने इस डेरे से पहले वहां से कुछ दूरी पर एक मच्छी तालाब पर रह रहे मजदूर के साथ भी मारपीट की है, उससे भी 5,000 रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, उनकी 45 वर्षीय पत्नी के साथ भी मारपीट की है, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला लंबी बीमारी से ग्रस्त थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की प्रदेश में कानून व्यवस्था है, किस तरीके से बदमाश बेखौफ है। बताया जा रहा है कि उक्त बदमाश वारदात को अंजाम देते वक्त डेरा खाली करने की बात कह रहे थे। वहीं बड़ी बात यह भी सामने आई है कि इसी तरह चार अज्ञात युवक करीब 1.5 माह पहले रात को डेरे पर गए थे और वहीं सोए थे। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जाहिर है मामला संगीन है। अब ऐसे में देखना यह है कि पानीपत पुलिस इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और इन बदमाशों को पकड़ती है। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी और खबर पे। तब तक के लिए नमस्कार।